प्रत्येक बीज के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, लेकिन उसके लिए वातावरण चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, वो उसका समर्पण टूट जाना चाहिए। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक अंकुर नहीं फूट पाएगा, और जब वो टूट जाएगा तभी उसके अंदर अंकुर फूट आएगा। यही उस चेतना, जब तक हम अपने अहंकार को नहीं तोड़ेंगे तब तक उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जब वो अहंकार भंग हो जाएगा तभी उस परम प्रकाश की ओर कदम बढ़ेगा, और वहां से अगला रास्ता, अगली दिशा शुरू हो जाएगी। लेकिन टूटना तो पड़ेगा ही, कितना हम बचा करके रखेंगे, जितना हम संभालने की कोशिश करेंगे, जितना बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही उस चेतना से दूर हटते चले जाएंगे, और जितना उसको सब समर्पण करते चले जाएंगे उतना ही ऊंचे उठते चले जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। जब वासना के अंदर जीव भोग करता है तो बड़ा आनंद लेते हैं लोग, फंस जाते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि ये आनंद उस वासना का नहीं है जो एक पल के लिए हुआ है, ये आनंद उस चेतना का है। जब वो कुंडलिनी हली, थोड़ी सी उसमें छटपटाहट हुई तो उस आनंद का अनुभव हुआ, वहीं से ये आनंद प्रकट होने की खोज महसूस करता है। और जब ये पूरी तरह से जग जाएगी और शिखर की ओर बढ़ने लगेगी तब कितना आनंद होगा आप विचार भी नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं कर पाओगे, आप कल्पना से भी नहीं सोच पाओगे कि कितना आनंद होगा। जब वो सर्प रूपी कुंडलिनी पूरी तरह से जग जाएगी, किस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, इस 6 फुट के शरीर के अंदर भी 3 फुट दूर ही उस परमात्मा का वास है, लेकिन खोजने वाले, पहुंचने वाले लाखों, अरबों, करोड़ों कोस दूर बताते हैं। बड़ा आश्चर्य होता मुझे बहुत बार, जो अपने को बहुत बड़े बड़े महात्मा मानते हैं, बहुत आश्चर्य होता है किस तरह से जीवों को गलत दिशा दे रहे हैं, कहां भटकाव की ओर ले जा रहे हैं, कहां इस मार्ग से दूर ले जा रहे हैं, कहां उल्टा भाग रहे हैं। बड़ा आश्चर्य, क्योंकि ये कुंडलिनी एक एक चक्कर का भेदन करते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र कल कमल, गुरु कमल, और इन से होते हुए उन 10वें द्वार से पार हो करके 12वें द्वार से जब पार होती है, 10 द्वार से भी ऊपर 2 द्वार हैं, जब उन द्वारों से ये कुंडलिनी पार होती है तब उस अनंत का रूप हो जाती है। यही जीव शिव का रूप हो जाता है, परम चेतना की प्राप्ति होने लगती है, एक एक अनुभव अलग अलग होने लगता है। लेकिन भय, ये शरीर छूटने का भय, कहीं प्राण न निकल जाए, इस थोड़े से भय के अंदर हम इतना खो देते हैं जिसका कभी भरपाई ही नहीं हो सकती, इतना खो देते हैं विचार भी नहीं आता। केवल थोड़े से भय के कारण, केवल प्राणों के मोह के अंदर फंस करके वहां जाने से घबराने लगते हैं, और इस परमात्मा के तत्व को केवल बातचीत का माध्यम बना करके और ये मान बैठे कि यही परमात्मा है। जिस प्रकार से एक अंधा बार बार प्रकाश की बातें सुन करके
और उसी तरह से बोलने लगता है जैसे दूसरा व्यक्ति कहता है, और प्रकाश का बड़ा अच्छी तरह से वर्णन करने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके कान तो सुन रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं की बातें सुन रहे हैं, संसार की वस्तुओं को देख तो नहीं पा रहा है लेकिन सुन जरूर पा रहा है, उन्हें का वर्णन करने लगता है। और बहुत लोग कहने लगते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिजीवी है, उस ब्रह्म ज्ञान को इसने प्राप्त कर लिया है, उस ब्रह्म तत्व का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। लेकिन हम थोड़ा सा इस संसार के हट करके बातें करते हैं। मैं ये मानता हूं कि किसी को आज तक पूर्ण ज्ञान हुआ ही नहीं, चाहे स्वयं राम ही क्यों न हुए, चाहे स्वयं श्री कृष्ण ही क्यों न हुए, वो मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, 16 कला अवतार हैं, थे नहीं कहूंगा, हैं कहूंगा, क्योंकि वो हर समय हर जीव के अंदर विराजमान रहते हैं। जब वो थे हो जाएंगे तो संसार के अंदर परले आ जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा, न कोई कहने वाला होगा, न कोई सुनने वाला होगा। तो वो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको भी पूर्ण ज्ञान था, असंभव, ये बिल्कुल असंभव बात होगी अगर मैं ये बोलूंगा कि पूर्ण ज्ञान था। कारण आप इतने विचार एकदम से आपके मस्तिष्क के अंदर घूम गए, इतना गहराई तक सोचते चले गए, इतना खोज करने लगे, लेकिन खोज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं जहां जा करके बोल रहा हूं, जहां खड़ा होकर के जिस तल से जिस भाषा में बोल रहा हूं, बड़े बड़े योगी भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े योगी भी बड़ी मुश्किल से उस तत्व का दिग्दर्शन और अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान विचारों का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान शब्दों का विषय नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान आत्मा का विषय हो जाता है। जिस प्रकार से सागर की गहराई का अनुभव किया जा सकता है, मापी नहीं जा सकती, कहीं कितना गहरा है, कहीं कितना गहरा है, सागर के अंदर जल नहीं मापा जा सकता। लेकिन बड़ा आश्चर्य, सागर का जल भी आप माप लोगे, रेत के कणों को भी आप गिन सकते हो, सागर की झालों को भी गिन सकते हो, पूरी प्रकृति के वृक्षों पेड़ पौधों और जीवों की भी गिनती कर सकते हो। लेकिन जिसको आप पूर्ण कहते हो, यहां से तो शुरुआत भी नहीं उसकी, शुरुआत उसकी आत्मा से है, इन सब से ऊपर उठ करके है, प्रकृति से परे है। जब जिसकी जितनी बुद्धि ने उस तत्व को पकड़ा, वेदों के ऋषि हुए, उपनिषदों के हुए, ग्रंथ लिखे गए, भागवत लिखी गई, भिन्न भिन्न संतों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन किसी संत ने यह नहीं कहा कि बस इतना ही है। समय भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा कि बस इतना ही है, हाँ ये जरूर कहा कि जो भी कुछ हूं मैं ही हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, लेकिन शरीर के अंदर स्थित हो करके नहीं, आत्मा के अंदर स्थित हो करके वो वृक्ष बन चुका था। आप भी वही वृक्ष बन सकते हैं, वो भी वही बीज था, आप भी वही बीज हो। वो बिल्कुल टूटता चला गया और इतना विशाल वृक्ष हो गया कि सब कुछ उसकी छाया के अंदर समा गया, सारी प्रकृति, वातावरण, जलवायु, लोक परलोक,
सब कुछ उसके अंदर समाता चला गया, लेकिन हम टूटने से डरते हैं। ये भय हमें नहीं टूटने दे रहा, ये भय हमें रोके हुए है। जब तक ये भय रोके हुए है तब तक नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस भय से परे हो जाएंगे। हमने बहुत नजदीक से देखा है, संत महात्माओं को लोग प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि नहीं ऐसे